आखिरकार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हो ही गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को जब पुलिस उज्जैन से गिरफ्तार करने के बाद कानपुर ले जा रही थी, कानपुर नगर भौती के पास पुलिस की गाड़ी पलट गई, जिसमें विकास दुबे और पुलिसकर्मी घायल हो गए। कानपुर पुलिस के मुताबिक इस दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने विकास को सरेंडर करने के लिए कहा, मगर विकास ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने फायरिंग की, जिससे दुबे घायल हो गया। कानपुर पुलिस के मुताबिक दुबे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विकास दुबे ने खुद को सरेंडर करने की योजना बनाई थी, इसलिए फरीदाबाद में भी वो इसी रणनीति से आया था, मगर किसी कारणवश अपनी योजना को सफल नहीं बना सका। 9 जुलाई को दुबे ने खुद को उज्जैन में पुलिस के हवाले कर दिया था। दुबे का एनकाउंटर ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह दुबे के साथी प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस के अनुसार जब पुलिस उसे कानपुर ला रही थी, कार अचानक पंक्चर हो गई। उस वक्त प्रभात ने भी पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी, और जब पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में प्रभात का एनकाउंटर कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit the bell icon.